वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको अपडेट मिल जाए। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्राउन स्मोकी आई लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कभी भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का टोनर, जो ऑल स्किन टाइप है और ये स्प्रे बॉटल में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है फेस पे अप्लाई करना। तो आपके पूरे फेस पे स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद आपके हाथों से ही ऑब्जर्व कर सकते हो और फिर आप कॉटन के हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हो और इसे पूरी तरह से फेस पे ऑब्जर्व कर लेना है। इसके बाद मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइजर। ये वाला मॉइस्चराइजर क्रीमी टेक्सचर में आता है, जो आपके मेकअप को ज़्यादा देर तक टिके रहने में हेल्प करता है और आपके फेस को भी हाइड्रेटेड रखता है ये। और ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है, आप ये आपके ब्राइड पर भी यूज़ कर सकते हो, ये अच्छा रिजल्ट देता है। मैं इसे पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, आईलिड्स पर और अंडर आई एरिया एंड नेक को तो कभी भूलना ही नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना। मेकअप के लिए मेरा फेस एकदम रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एनवाईबे का ऑरेंज करेक्टर। अगर आप अफोर्डेबल में कोई ऑरेंज करेक्टर देख रहे हो तो ये वाला बेस्ट है, ये आप आराम से ले सकते हो और ये आपको 100 रुपीज़ के अंदर अंदर मिल जाता है। लो रेंज का तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है अगर आपकी टेक्निक अच्छी हो तो। और जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए। इसे मैं डार्क सर्कल्स और जो डार्क स्पॉट्स रह गए हैं पिंपल्स के उस पे अप्लाई करके और इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद कंसीलिंग के लिए यूज कर रही हूँ मैं F26 ट्रायलोन के सुप्रा पैलेट में से। इसे डायरेक्टली फेस पर अप्लाई नहीं करना है, पहले मैंने स्पैचुला की हेल्प से पैलेट में निकाल लिया है, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करके फिर फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पर ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद सेम वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये कंसीलर क्रीमी टेक्सचर में है तो इसे अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, ताकि कोई पैचेस ना रह जाए फेस पर। उसके बाद बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक कॉस्मेटिक का लूज पाउडर इन द शेड TL4, ताकि जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ तो जो मैंने करेक्टर वगैरह यूज़ किया है वो कम ऑफ ना हो, और उसे स्मॉल प्लफी ब्रश से सेट कर लिया है मैंने। उसके बाद फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 228। ये वाला फाउंडेशन आपको मीडियम कवरेज देता है, बट अगर आप हाई कवरेज चाहते हो तो आप हाई कवरेज फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप कोई अफोर्डेबल फाउंडेशन देख रहे हो तो ट्रस्ट में ये वाला बेस्ट है आपके लिए। मैं इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसे मैं। और आपको नेक कभी भी स्किप नहीं करना है, वहाँ पर भी अच्छे से अप्लाई करना है। ये फाउंडेशन आपको मैट लुक देता है, अगर आपको ड्यूई लुक चाहिए तो आप इसमें लिक्विड हाइलाइटर या फिर थोड़ा सा फेशियल ऑयल मिक्स कर सकते हो। क्रीम हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड फेयर, और इसे हाइलाइटेड एरिया पे मैं अप्लाई कर लूँगी, फोरहेड, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज। और क्रीम कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं स्टेकवर्की का कॉन्टोर स्टेक, और इसे कॉन्टोरिंग एरिया पे कॉन्टोर कर लूँगी मैं। और मैं ब्रॉडर एरिया पर ही फोकस कर रही हूँ, जैसे कि मेरा फोरहेड हो गया, जॉ लाइन जो कि मेरा ब्रॉड है, तो उसे कटआउट करने के लिए यहाँ पर मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, और उसे फ्लैट एंगल ब्रश से मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। पहले कॉन्टोर ब्लेंड करूँगी, उसके बाद मैं हाईलाइट ब्लेंड करूँगी। अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे कि आपने कॉन्टोरिंग किया है, पूरा शेडो इफेक्ट आना चाहिए। उसके बाद मैं क्रीम हाईलाइट को वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और उसे अपवर्ड की तरफ ही ब्लेंड करना है ताकि लिफ्टेड लगे फेस। उसके बाद लूज पाउडर की हेल्प से मैं अच्छे से बेस को सेट कर लूँगी, उसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर बिग प्लफी ब्रश। उसके बाद मैं हाइलाइटेड एरिया को बेक कर लूँगी लूज पाउडर की हेल्प से, ताकि क्रीज लाइन ना पड़े वहाँ पर। आईब्रोज के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लैक एंड लाइट ब्राउन शेड, और इसे अच्छे से मैं डिफाइन कर लूँगी फ्लैट एंगुलर ब्रश की हेल्प से। उसके बाद ब्राउज को शार्पन करने के लिए मैं उसे कंसील कर लूँगी।
आईलिड्स को कंसील करने के लिए मैंने यूज़ किया है F22 सुप्रा पैलेट में से। उसके बाद पाउडर की हेल्प से उसे सेट कर लूँगी। अब मैं एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दूँगी जो मैंने बेक किया था। सो आई मेकअप के लिए फर्स्ट यूज़ करने वाली हूँ मैं इन कलर का जेल आईलाइनर इन द शेड ब्राउन, और इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं आईलिड्स पर धीरे धीरे अप्लाई कर लूँगी। आपको धीरे धीरे ही अपवर्ड्स की तरफ जाना है, एक साथ अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आई मेकअप पूरा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड, उसे मैं क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी क्रीज लाइन ब्रश की हेल्प से, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, तो इसे अच्छे से ब्लेंड ही करना है। उसके बाद डार्क ब्राउन शेड के साथ मैं रेड शेड भी इसके साथ ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और स्मोकी आइज़ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अच्छी ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपका जो स्मोकी इफ़ेक्ट है वो भी प्रॉपर नहीं आएगा। सो कीप ब्लेंडिंग। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम अप्लाई करने वाली हूँ। सबसे पहले जेल आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से, और उसे डार्क ब्राउन शेड की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, और इसे अपवर्ड की तरफ ब्लेंड कर देना है ताकि अपलिफ्टेड लगे आइस। सो बोथ आई मेकअप लुक इज कम्प्लीटेड। उसके बाद लाइट शिमर गोल्ड की हेल्प से मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी, एंड मेरे ब्रो बाउन को भी हाईलाइट कर लूँगी मैं। सो पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही मैं पैक कॉस्मेटिक का कॉन्टोर पैलेट, और डार्क ब्राउन शेड की हेल्प से मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी। जो क्रीम कॉन्टोरिंग के लिए ब्रश यूज़ किया था सेम ब्रश यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ मैं, और सेम एरिया में ही पाउडर कॉन्टोर कर लूँगी मैं। उसके बाद ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं पैक कॉस्मेटिक का ब्लश पैलेट, और उसमें से मैं ब्रॉन्ज शेड ले रही हूँ, और उसे मैं मीडियम प्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। आपके नोज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो तो ये आपको थोड़ा टैन लुक देगा। सो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट मेबलिन का हाइलाइटर इन दी शेड गोल्ड, और उसे फैन ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर लूँगी। अगर आप कोई अफोर्डेबल प्राइस में कोई हाइलाइटर देख रहे हो ना, तो ये वाला बेस्ट है। उसके बाद आईलैशेस कर्लर की हेल्प से मैं आईलैश को प्रेप कर लूँगी, और फॉल्सेस मैंने ऑलरेडी बिहाइंड द कैमरा अप्लाई कर लिया है, एंड उसके बाद मैं मेबेलिन का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद वाटर लाइन के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं वेट एंड वाइल्ड का न्यूड आई पेंसिल, आप चाहे तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। लिप को लाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का लिप लाइनर इन द शेड न्यूड। आई मेकअप हमारा डार्क है, इसकी वजह से हमारा जो लिप्स है वो न्यूड शेड में होगा। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक कॉस्मेटिक का लिप पैलेट, इसमें से न्यूड कलर अप्लाई कर रही हूँ मैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आप चाहे तो आईलिड्स पे शिमर आई शेडो या फिर ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने मैट लुक रखा है। पसंद आया होगा, अगर यस तो लाइक करना ना भूले, और ऐसे ही और सारे लुक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।